चिकित्सा रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का इस वक्त की बड़ी खबर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दून दौरा आज स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 12 बजे जो है वो शामिल होंगे। 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 24 टॉपर छात्र छात्राओं को जो है अकेडमिक अवार्ड देंगे, जबकि 1316 छात्र छात्राओं को दी जाएगी डिग्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज दून दौरा है और 12 बजे वो दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 24 टॉपर छात्र छात्राओं को एकेडमिक अवार्ड देंगे, जबकि 1316 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे साथ अवनीश गुप्ता जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है, उनके साथ साथ जो है उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। 24 टॉपर छात्र छात्राओं को वो एकेडमिक अवार्ड देंगे, जबकि 1316 छात्र छात्राओं को उनके द्वारा डिग्री प्रदान की जाएगी। क्या कुछ तैयारियां हो गई है, क्या कुछ अपडेट्स है? जी देखिए अर्षिता, अभी कुछ ही देर बाद जो है लगभग 11:30 बजे के करीब जो है यहाँ से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये तमाम लोग जो है जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। वहां पर जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उनका वहां पर स्वागत किया जाएगा। उसके बाद लगभग 12 बजे के करीब वहीं जो जौलीग्रांट जो है रामतीर्थ स्वामी राम जो है इंस्टीट्यूट है वहां पर दीक्षांत समारोह है, उसमें वो लोग प्रतिभाग करेंगे। और लगभग जो है 5 जो छात्र हैं मेधावी छात्र उनको पीएचडी की डिग्री दी जाएगी और 24 जो छात्र हैं उनको बाकायदा जो है जो मेधावी छात्र हैं उनको भी, और 1316 जो टॉपर है छात्र उनको जो है यहाँ पे जो है दीक्षांत समारोह में जो है उनको डिग्रियां दी जाएंगी। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई हमने, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है, उनके द्वारा जो मेधावी छात्र हैं उनको उनका दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे, साथ ही उनके द्वारा डिग्री भी प्रदान की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम देहरादून से।